પધારો આ પરિણામ આયો ની દસીરો આર બોલે કોણ ગુંગો ઢોલ રહ્યું જય હિદે રિઝલ્ટ કેડો આયો બતાય તો દે લીજા લીજા तू मेरा सब कुछ है बेटे ये बात तुझे बतलाता हूँ ना 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 मैं तेरे बिना हूँ कुछ भी नहीं ये बात तुझे बतलाता हूँ ना 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 तू मेरा सब कुछ है बेटे ये बात तुझे बतलाता हूँ तेरे बिना हूँ कुछ भी नहीं ये बात तुझे बतलाता हूँ तू है बेशक आज बड़ा पर मेरी नजर में बच्चा है दुनिया की नजर में पक्का है पर मेरी नजर में कच्चा है का पुतला मगर तू है माटी का पुतला मगर तुझ में बसते मेरे प्राण है होगा बेटा तू लाख बुरा पर मेरी नजर में साफ है दुनिया ने तुझको बिगाड़ा है पर मैंने भी कुछ सिखाया था इस सही गलत के दौर में तूने गलत को क्यों अपनाया था बेटा मैंने तुझे माँ बन करके पाला है गीले में मैं खुद सोया था सूखे में तुझको सुलाया है ऊपर थी तेरे छत बेटा पर मैं नवतल में सोया था मैं बना खिलौना खुद तेरा जब जब तू बेटा रोया था था मैंने भी सपना हाँ हाँ। देखा था मैंने भी सपना एक छोटा सा घर हो अपना तेरे बच्चे खेले आंगन में खुशियों से भरे परिवार अपना खुश क्यों नहीं रह पाता हूँ ये बात तुझे बतलाता हूँ जिनके संग में रहता है
मैं उनका सच दिखलाता हूँ। आज वो जैसे काम उनके घर के हालात नहीं, माँ बाप के सपनों की बेटा उनको कोई परवाह नहीं। तू अब तो निभा बेटे का फर्ज, एक बाप तुझे अरदास करे, कुछ ऐसा काम तू कर बेटे कि दुनिया तुझ पे नाच करे। ना 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 नजर में बन अच्छा और मेरी नजर में बन सच्चा, फिर सबको मैं बतला पाऊं मैं भी तुझ पे इतरा पाऊं। तू मेरा सब कुछ है बेटे, ये बात तुझे बतलाता हूँ। ना 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 मेरा सब कुछ है बेटे, ये बात तुझे बतला पाऊं। तू मेरा सब कुछ है बेटे, ये बात तुझे बतलाऊं, ये बात तुझे बतला पाऊं। राम राम था सबने, काम की चीज आप बतानी कि आज हर क्षेत्र में 10वीं 12वीं पास मांग रिया है। कोई भाई दुकानदार है, व्यवसायी है, तो बान 10वीं 12वीं सर्टिफिकेट चाहिए। और हाँ, जका भाई बहन इस साल दे मैं 10वीं 12वीं फेल होगा तो बे इस साल ही 10वीं 12वीं क्लियर कर सके। ओपन हूँ NIOS द्वारा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा, मारवाड़ विनर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोयला मेन। अधिक जानकारी वास्ते नंबर दी उड़ा है। और हाँ, अहम बात है कि और जो अपन सर्टिफिकेट मिल रही हो 10वीं 12वीं को, वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थान में मान्य है।